स्मार्ट लॉकडाउन की हिकमत अमली काम दिखाने लगी। कोरोना के एक्टिव केसेस और अमवात में नुमाया कमी। एक दिन में रिकॉर्ड 11,000 से ज्यादा अफराद ने वायरस को शिकस्त दी। 24 घंटों में 22,000 से ज्यादा टेस्ट, 3,387 मस्बत आए। कराची में 928 केसेज रिपोर्ट। मुल्क भर में 68 अफराद लुकमाया जल बने। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का आर्मी चीफ के हमराह नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का दौरा। कोरोना और स्मार्ट लॉकडाउन की सूरत हाल पर ब्रीफिंग। वज़ीर-ए-आज़म ने वबा की रोकथाम के लिए NCOC की काविशों को सराहा। कहा स्मार्ट लॉकडाउन के बेहतरीन नतायज मिल रहे हैं। वफाकी वज़ीर असद उमर और शिबली फराज का इस्लामाबाद के अस्पतालों का दौरा। डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स के साथ इजहार यकजहती। कहा सूरत हाल यही रही तो अस्पताल जल्द वीरान हो जाएंगे। अगर हम आगे भी इससे ज़रा ज़्यादा मोहतात होकर इन चीज़ों पे अमल करें तो ये अस्पताल इंशाल्लाह वीरान होंगे और यहाँ पे पेशेंट्स नहीं होंगे। ये मास्क पहनना है जी, फासला रखना है, मुसाफा करने के अंदर एहतियात करनी है, गले नहीं मिलना ईद के लिए। आप बद एहतियाती करेंगे तो उसकी फिर सजा हमें मिलेगी। इमरान खान को जिस दिन ज़रूरत महसूस हुई, आप नून लीग के बखिए देखें, ये उतर चुके हैं। किसी दिन चैलेंज करके देखिए, ये व्हाट्सअप इतने हैं कि इनकी तबीयत साफ करने के लिए काफ़ी। MNA उनको ज़्यादा ओपन इसलिए हम नहीं करते, उसकी वजूहत ये है कि हम नहीं चाहते कि मुल्क के अंदर एक शोरगुल खड़ा हो। अपोजिशन के सिर्फ MPAs ही नहीं, MNAs भी वज़ीर आज़म से खुफिया मुलाकातें कर चुके हैं। जिस दिन वज़ीर आज़म हुकुम करें उन्हें मंजर आम पर ले आएंगे। जनूबी पंजाब एग्जीक्यूटिव काउंसिल के सरबरा ताहिर बशीर चीमा का समा को खसूसी इंटरव्यू। कहा इतने अरकान हुकूमत से राबते में हैं कि अपोजिशन की तबीयत साफ हो जाए, हमें चैलेंज किया गया तो इनका शिराजा बिखर जाएगा। -1 के सवाल पर कहा वज़ीर आज़म भोले भाले लेकिन ईमानदार और बहादुर हैं। अगर माइनस की बात आई तो फिर -3 होगा। ये अपोजिशन रंगे हाथों पकड़ी हुई है दोनों पार्टियां केसेस में। इतने सीरियस केसेस हैं कि इनकी जान नहीं छूट सकती। मेरी गुजारिश है PTI के लोगों से कि अपने गंदे कपड़े TV पे ना। हम आखिरी चॉइस हैं ना -1। -1 हुआ तो पूरे 3 माइनस होंगे। ओपोजिशन करप्ट और ना अहल है, वो इमरान खान का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। वफाकी वजीर बराए रेलवे शेख रशीद का वफाकी वज़रा को भी मशवरा। कहा गंदे कपड़े TV पर ना धोएं, चौधरी बरादरान भी नवाज लीग की तरफ नहीं जाएगी। तो माइनस इमरान खान की बात ही नहीं कर रहे हैं, तो पूरी PTI की बात कर रहे हैं और उसमें शेख रशीद भी शामिल हैं। तो शेख रशीद को ये पता होना चाहिए कि गंदे कपड़े वो धोएं या ना धोएं, PTI के लोग, मिनिस्टर्स वगैरह, आवाम को सब कुछ पता है। हम माइनस इमरान खान नहीं, -PTI की बात कर रहे हैं। मालूम नहीं शेख रशीद ने इमरान खान से पूछकर बयान दिया या नहीं। लीगी रहनुमा मोहम्मद जुबैर का कहना है PTI वालों को गंदे कपड़े मीडिया पर धोने की जरूरत नहीं, आवाम सब जानते हैं। इनकी परेशानी यह है कि नून लीग की मकबूलियत में इजाफा हो रहा है। PP रहनुमा नाज बलोच का कहना है परेशान आवाम PTI हुकूमत से छुटकारा चाहते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग केस में जमानतों के मुचलकों का मामला। शहबाज शरीफ हिफाजती किट पहनकर लाहौर हाईकोर्ट पहुंचे, गाड़ी में बैठे बैठे ही दस्तखत किए। अदालत के हुकुम पर कोरोना टेस्ट के लिए IPH की टीम ने शहबाज शरीफ का सैंपल ले लिया, रिपोर्ट एक रोज बाद आएगी। लाइसेंस फेक या सस्पिशियस नहीं हो सकता। एक्शन लेने से पहले ही ऐलान कर दिया फेक है, सस्पिशियस है, सारा मसला यहाँ से पैदा हुआ। हो सकता है इनमें चंद ऐसे लोग हों जिन्होंने दिल्ली डिग्री से मुलाजमत हासिल की, वो PIA का मसला है। नाम हुकूमत ने दिए हैं, तो बातें ना करें, कार्रवाई करें। हुकूमत ने जांच पड़ताल से पहले ही पायलट्स के लाइसेंसेज जाली करार देकर PIA की साख को खतरे में डाला। सिफारिश पर नौकरी देने और लेने वाले दोनों ही PIA की तबाही के जिम्मेदार हैं। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं सिविल एविएशन का लाइसेंस जाली नहीं हो सकता, किसी पायलट ने इम्तिहान में नकल की है तो उसे फारिग करना चाहिए। वफाकी वजीर गुलाम सरवर का कहना है गुज़श्ता इतवार में मंजूर नजर अफराद को नवाजा गया, इदारे तबाह करने वालों पर गद्दारी के मुकदमात बनने चाहिए। दोनों अदवार का जो आउट ऑफ मेरिट अपने मंजूर नजर लोग, जेली डिग्रियों वाले लोग, ये तो उनका डाला हुआ गंदम साफ कर रहे हैं। 10 सालों में 11 चीफ एग्जीक्यूटिव तब्दील हुए, अदारियां तबाह बर्बाद की, इन लोगों ने खिलाफ तक गद्दारी ने मुकदमे चलने चाहिए।
अली जैदी ने कौमी असम्बली के फ्लोर पे खड़े होकर जो बातें वहाँ कही कि ये फलां जीआईटी में ये लिखा है, मेरा नाम भी उसने लिया, फिर मेरे भाई का नाम लिया। अगर सही है तो मेरे भाई के खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं कटी उस वक्त? चेयरमैन केपीटी ने कौन सी इसकी दुम पे पैर रखा है जो नाम सुनने पे उसको आग लग जाती? कौमी असम्बली के फ्लोर पर इल्जामात लगाने वाले अली जैदी मुआफी मांगे। जीआईटी में पीपल्स पार्टी के किसी रहनुमा का नाम शामिल नहीं। सईद गनी वफाकी वजीर बराए बहरी उमूर पर बरस पड़े, कहा उनके भाई पर मुनशियात फरोशी के इल्जामात लगाए गए मगर एफआईआर नहीं काटी गई। अली जैदी को टीवी पर मनाजरे का चैलेंज। कादिर पटेल ने कहा जो शख्स यूसी का इलेक्शन हार गया उसे वफाकी वजीर बना दिया गया। भाई ये यूसी का इलेक्शन हार गया था या नहीं? यार जो यूसी का इलेक्शन हार जाए उसको आप वफाकी वजीर बना के रियासत मदीना बनाओगे? खुदा को मान। वफाकी वजीर अली जैदी ने ट्वीट में विंस्टन चर्चिल का कॉल नकल कर दिया, कहा हर भौंकने वाले कुत्ते पर पत्थर फेंकेंगे तो अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। जुड़वा शहरों में मॉनसून की एंट्री, बादल खोलकर बरसे, शहरियों ने पार्क का रुख कर लिया। एबटाबाद और हवेलिया समेत गिरदोनवाह में भी बारिश, कोहाट में भी अब्रे रहमत बरस पड़ा, कराची में भी मॉनसून सीजन करीब। महकमा मौसमियात ने 6 जुलाई से बारिश की पेशगोई कर दी। सारा साल सोने वाली इंतजामिया की दौड़े लग गई। महमूदाबाद में बरसाती नाले की सफाई, बाकी इलाकों में नाले साफ न हो सके। के इलेक्ट्रिक को वफाकी हुकूमत ने इजाफी बिजली दे दी, फर्नेस ऑयल भी फराहम कर दिया, मगर शहरियों को तवील और गैर एलानिया लोड शेडिंग के अजाब से छुटकारा ना मिल सका। दिन में सुकून ना रात में चैन, लोड शेडिंग का दौरानिया भी बढ़ा दिया गया। कोरोना के मरीज परेशान तो तलबा की ऑनलाइन क्लासों का भी कबाड़ा हो गया। कराची की खातून के इलेक्ट्रिक और हुकूमत पर बरस पड़ी। सारी रात लाइट जा रही है, बिजली के बिल आ रहे 15,000 के, 20,000 के, ये कहां से लेंगे? डकैती मारेंगे, चोरी करेंगे। इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज के लिए शाहीनों की जमकर तैयारी, ट्रेनिंग के साथ फिटनेस पर भी फोकस। मिसबाउल हक कहते हैं 3 माह के ब्रेक के बाद भी लड़कों की फिटनेस तवक्को से बढ़कर है। इंग्लैंड पहुंचने पर मोहम्मद हफीज समेत 6 खिलाड़ियों के कोरोना टेस्ट लिए गए।